बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स आज ट्रांसलेशन का एक बेसिक सा टॉपिक है कि आर्टिकल और एडजेक्टिव कैसे यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली तो आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव ही होता है, डिटरमिनर में आता है। तो बहरहाल हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें फिर चीजें डिस्कशन में आएंगी। गाय एक मुफीद जानवर है, तो एक के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, द काओ इज ए यूजफुल एनिमल। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं कि आर्टिकल का टॉपिक एक अलग टॉपिक के तौर पर हम डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ ट्रांसलेशन के हवाले से है, ताकि थोड़ी सी गाइडलाइन आपको दे दी जाए। मेरा नौकर एक दयानतदार नौजवान है। यहाँ पे भी एक का वर्ड है तो एन आ रहा है, ऊपर ए आ रहा है। माई सर्वेंट इज एन ऑनेस्ट यंग मैन। तो क्योंकि ऑनेस्ट का फर्स्ट साउंड वाउल साउंड है, इसलिए एन आया है। यूजफुल में इसकी फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आया है। मैं हर सुबह कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। आई रिसाइट द होली कुरान एवरी मॉर्निंग। तो द होली कुरान, ठीक है, इसमें होली कुरान जो कि एक मुकद्दस किताब है, इसलिए उससे पहले द लगना लाजमी है। यही वो लड़का है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। दिस इज द बॉय हुम आई लुकिंग फॉर, हुम आई एम लुकिंग फॉर। तो इसमें यही वो लड़का है, दिस इज द बॉय। अब बॉय के बाद फिर होम आई एम लुकिंग फॉर, ये पूरा जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज, ये एडजेक्टिवल क्लॉज है जो कि बॉय के अंदर मीनिंग ऐड कर रही है, होम आई एम लुकिंग फॉर। तो ये एडजेक्टिव के सेंस में, और साथ ही इसमें द लगा हुआ है बॉय के साथ, तो ये द भी जरूरी है, आर्टिकल का भी इसमें मीनिंग आ गया। अफसल हमारी जमात में सबसे लंबा लड़का। सबसे लंबा का मतलब फिर इसमें थर्ड डिग्री आएगी, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अफसल इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ठीक है। तो थर्ड डिग्री इसमें यूज हो रही है एडजेक्टिव की। जब हम सबसे किसी ग्रुप में सबसे ज्यादा क्वालिटी किसी में लाना चाह रहे हो, तो हम ये थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिसका असल नाम है सुपरलेटिव डिग्री। सितारे आसमान पर टिमटिमाते हैं, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। ट्विंकल इन द स्काई, द यहाँ आर्टिकल के तौर पर आ रहा है। आखिरकार हमने मैच जीत लिया, वी वन द मैच एट लास्ट। एट लास्ट वैसे स्टार्ट में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। तो वी वन द मैच, द मैच स्पेसिफिक मैच है जिसकी बात हो रही है, तो इसलिए फिर द लगना जरूरी है। सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है, द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। ऑफ पाकिस्तान भी हो सकता है। लॉन्गेस्ट असल में जो थर्ड डिग्री है, ये है हमारा इस वक्त टारगेट। शेखुपुरा लाहौर के मगरिब में है। शेखुपुरा इज इन द वेस्ट ऑफ लाहौर। ये जो द है वेस्ट के साथ ही असल में इसमें टारगेट है हमारा, कि ये जो जब हम डायरेक्शंस का नाम लेते हैं तो हम उसके साथ द यूज करते हैं। नीम दाना नईम, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, नईम आना चाहिए। नईम दाना और सफी है। उर्दू में नईम में एन नहीं लिखा गया। नईम इज वाइज एंड जेनरस। हफीज नईम से ज्यादा दाना और सफी है। अब ये कंपेरेटिव आ गया, हफीज इज वाइजर एंड मोर जेनरस देन नईम, मतलब कंपेरेटिव डिग्री है कि एक डिग्री एक बंदे में ज्यादा है दूसरे में कम है, तो जिसमें ज्यादा है उसको पहले रखा जाता है, जिसके जिसमें कम है उसको बाद में रखा जाता है।
नईम अपनी जमात के दूसरे लड़कों से ज़हीन है। अब नईम को हमने एक साइड पे कर दिया, पूरी जमात को दूसरी साइड पे कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि नईम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास या ऑफ हिज क्लास। मोर इंटेलिजेंट कंपेरेटिव डिग्री है, और ये कंपेरेटिव डिग्री हम यूज करेंगे जब नईम एक साइड पे हो जाए और बाकी पूरी जमात एक साइड पे हो जाए। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से कह दें कि नईम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, तो फिर वो क्लास में खुद भी शामिल हो जाएगा, तो फिर वो भी ठीक है। बट ये चूंकि कंपैरिजन दिया गया है उर्दू सेंटेंस में भी, तो इसलिए इंग्लिश में भी हमें ये कंपैरिजन के साथ ही बताना चाहिए। नेक्स्ट है जी, वो मुझसे ज्यादा लंबा है, ही इज टॉलर देन आई। ये भी सेकेंड डिग्री यानी कि कंपेरेटिव डिग्री यूज की गई है। क्या ये संदूक बहुत भारी है? ये क्वेश्चन है, इज दिस बॉक्स वेरी हैवी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जरा देखना है कि हैवी का वर्ड एडजेक्टिव के तौर पर आया है और ये पॉजिटिव डिग्री है जिसको हम फर्स्ट डिग्री कहते हैं। देखिए, इसके साथ कोई भी कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सबसे अच्छा सबसे बुरे वाली बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल वे में एक एडजेक्टिव बताया गया है, तो इसके साथ वो वाली सारी जो पाबंदियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं कि जी सेकंड डिग्री में कंपैरिजन है तो ये आना है, जो थर्ड डिग्री है उसके साथ भी कुछ चीजें होती हैं। कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह, आप देखना सबसे बड़ी तो बिगेस्ट है, बिगेस्ट से पहले दा लगाना लाजमी है। कराची इज द बिगेस्ट हार्बर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से ये चंद एक बातें थी जिनमें से मतलब बहुत कोई टेक्निकल बातें इसमें इसके लेक्चर में नहीं थी आज के लेक्चर में। बहरहाल, एक्सरसाइज आप करेंगे तो फिर ही क्लियर होगा कि आप कितना इसको समझ पाए हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।